मैं चालू करो। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर मांडवे, कल रविवार को जो आप लोगों ने मैच खेला है उसमें आपकी विजय हुई है, आपको कैसा लग रहा है? जाहिर है जीतने के बाद खराब तो लगेगा नहीं सर। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपार दर्शकों के सपोर्ट का, जिसके बिना हम कभी नहीं जीत पाते। लोगों का जो मेरे प्रति मैं प्यार देख रहा था, कल देख के बाहर जब मैं आया तो मेरी आँख में आंसू आ गए कि इतने लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो धन्यवाद ऑडियंस और दर्शक, आपने हम मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट किया, मेरा साधुवाद। डॉक्टर मांडवे, इस जीत में आपने एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है। अगर शायद 19वें ओवर में आपने एक चौका और एक छक्का ना मारा होता तो आपकी टीम वो उस विजय रथ पे सवार ना हो। ऐसा खेल के आपको कैसा लग रहा है? खेल के अच्छा बहुत लग रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को जो उत्साहित है वो मैं खुद ही कर सकता हूँ। मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं इस तरह का कुछ अच्छा काम करता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है कि आगे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। मेरे ऊपर अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। तो ऐसा एक दो बार हुआ है टूर्नामेंट में। मेरे ख्याल से मैंने जब से टूर्नामेंट खेला है तो एक दो चौके तो मैंने हमेशा मारे हैं, तो वो एक विश्वास था कि मैं मार सकता हूँ करके, ऐसा तो था। और एक दूसरा समय की जो डिमांड थी उस समय की, वक्त की, कि यदि इस तरह से नहीं खेला तो क्या कहते टीम को हार जाएगी, तो जरूरी था। तो दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, एक अपने आपका अंदर का विश्वास, दूसरी चीज़ ये है कि समय की जो ज़रूरत थी कि ऐसा खेलने पे ही जीत सकते हैं, तो वो दोनों चीज़ों की वजह से इस तरह से खेल पाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसके बाद लोग यदि प्रशंसा करें तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं खेल खुद इंजॉय करता हूँ। जो मैंने मारा तो उसको सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया है, वो दोनों शॉट्स और वो सारी चीज़ को मैंने खुद पर्सनली इन्जॉय किया। डॉक्टर पांडे, आप 19वें ओवर में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, आपने 60 रन मारे हैं, लेकिन 19वें ओवर में आपका विकेट गिर गया। आपके मन में क्या चल रहा था उस विकेट गिरने के बाद? आपको क्या लग रहा था कि जीत हासिल होगी या नहीं? सर, ऐसा है कि कल जिस टीम से हमारा मैच था वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग साइड थी। उसमें टोकर भाई जैसा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर था जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। अवधेश सर थे जो मेरे को फाइनल हरा चुके हैं एक बार, और राहुल सर थे जो कि बहुत अच्छे बॉलर बन चुके हैं। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि अच्छी बॉल्स को डिफेंड करूं और जो मेरे बैक पे आती हैं खराब बॉल उनको मार दूं। मन में सपने चल रहे थे कि धोनी टाइप छक्का मार के मैच खत्म करेंगे, बट वो होना सका। जब मैं आउट हुआ तो मेरे को लग रहा था कि ओ शिट, फिर ऐसी कैसी हो गई। तो मैं ये करके जब बाहर आया तो मन में शंका थी, डर था। पाल सर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर। कल मैं उनकी बॉल करीब 40 मतलब 20-25 बॉल खेलने के बाद मैं उनकी बॉल खेल रहा था। ही इज़ नॉट अ ईजी बॉलर टू हिट। उनने अपनी लाइन चेंज करी और मेरे को आउट किया, वो गेम में वापस आए। मेरे को लगता तो था कि मेरी टीम बना सकती है, बट मेरे को कल मौका मिला अपनी टीम पे विश्वास जताने का। अभी तक जनरल पब्लिक ये बोलती थी अमरेंद्र को आउट कर लो, मैच खत्म, अमरेंद्र को आउट, और ये मेरी टीम को भी लगने लगता, जबकि एक प्लेयर से कभी टूर्नामेंट या मैच नहीं जीता जाता, पूरी टीम खेलती है। चलिए, ये बात मेरी टीम भी समझ चुकी है, मैं भी समझ चुका हूँ, इसीलिए कल यह मेरी टीम ने मेरे को जिताया। मैंने 60 बनाए, 85 मेरी टीम ने, तब मुझे बात। और कल एक आपकी स्ट्रेटजी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखा गया। आपने ओपनिंग नहीं की, आपके काफ़ी जो डाउन लाइन आते थे डॉक्टर अली असगर, आपने उनको ओपनिंग के लिए भेजा। कुछ खास स्ट्रेटजी थी कि ये ओवर निकल जाए डॉक्टर तुरकर के, या क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि डॉक्टर तुरकर के ओवर निकालने के लिए डॉक्टर अली असगर को भेजा गया, तो सामने वाली टीम डॉक्टर अवधेश की टीम, उनके मन में ये तो होगा कि जब डॉक्टर अमरेंद्र आएंगे तभी हम तुरकर को बॉलिंग करवाएंगे, तो इसका क्या जवाब देना चाहते हैं सर? एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि ऐसे ही होते कातन हार तो काय फिरते पोंद उहार। तो क्या सर, जिनकी बैट पकड़ने की औकात नहीं है वो बताएंगे कि मैं कैसी बैटिंग करूँ? ये बहुत छोटी, मेरे को बहुत छोटी सोच लगती है। मैं ऐसे लोगों को जवाब देके अपना टाइम और मूनी खराब करना चाहता। बात यह, मुझे हमेशा मालूम था कि तुरकर तभी आएगा बॉलिंग पे जब मैं बैटिंग पे आऊँगा। उसके पूरे 4 ओवर मैंने खेले, तुरकर को तो मेरे को ही खेलना था। एक रोटरी के मैच में जहाँ मैं नहीं चला था वहाँ अली सर ने 25 रन मारे थे। वहाँ मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि सर अगले मैच में ओपनिंग आप जाओ, तो अली सर को तो जाना ही था। मैंने सोचा कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू ट्रस्ट माई टीम, मैं अपनी टीम में विश्वास देता हूँ, इसलिए मैंने अली सर और अभिषेक सर को भेजा जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग दी। इसके अलावा कोई और ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं थी। सर, क्या बोलने वाले बोलेंगे, रन बनाने वाले रन बनाएंगे, ऐसा चलता रहा। अच्छा, ये बताइए आपका अगला मैच मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टफ जाने वाला है। डॉक्टर समर सर की टीम जो अभी तक अगला मैच निष्कर सर के साथ,
निष्कर्ष सर के साथ, देखिए डॉक्टर निष्कर्ष भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो अगला मैच आपके लिए काफ़ी टफ जाने वाला है, क्योंकि वो भी अंदर आने के लिए, अंदर रहने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाएंगे, तो इस मैच के लिए क्या नहीं जाती है। देखिए सर, सारी टीमें इस बार बहुत अच्छी हैं, हर मैच टफ है, और हमारे लिए अब हर मैच एक सेमीफाइनल है, क्योंकि हम दो मैच हार चुके हैं अपने पहले। निष्कर्ष सर की टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कोई डाउट नहीं है उसमें। उसमें लक्का सर है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ फाइनल है, उसमें सनील है जिसने मेरे को फाइनल में आउट किया है। इट इज़ अ टफ मैच फॉर अस, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू विन, वी विल प्ले टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी विल विन। ब्रह्मांड में आपकी क्या तैयारी चल रही है, ऐसा ही कुछ मेरे को देखने को मिलेगा इस मैच में? वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। हर बार एक ही सेम कंडीशन आए ऐसा कुछ जरूरत नहीं, तो कोई यानी किसी टीम के अगेंस्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। मैं पहले से कह रहा हूँ मैं अपने लेवल पर तैयारी करता हूँ, मुझे कौन से शॉट खेलना है, रिफंड करना है, कौन से कंट्रोल करना है, क्या करना है, मेरा ध्यान पूरा उसी पर है, या बॉलिंग में किस तरह से लाइन लेंस किया। बाकी किसी टीम को लेकर स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं बनाई है ना, मैंने बनाई। चलिए थैंक यू डॉक्टर मांडवे, थैंक यू डॉक्टर अमरेंद्र सर, आपका ऐसा इंटरव्यू और डेब्यू हुआ है, हमें पूरी